بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. The most valuable and respectable song for every citizen of our nation is our national anthem. So the national anthem we would love to invite Hiba Saima group. We also need you to take part in singing our national anthem with us. Please a big round of applause for them to present here. अकाबी रूह बेदार नहीं होती जब जवानों में नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। तो सुमेर का मावर सारे तरह से अच्छा परफॉर्मेंस हिबा साइमा साकिब हमजा एंड अरीना। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ हैंड अप्लाउज।
मज़हब नहीं सिखाना, आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी छात्र और हमारे आए हुए मेहमान को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं सलमान की मम्मी को इनवाइट करना चाहता हूँ।
कि वो यहाँ पर स्टेज पर आए और उन्हें किस तरीके का फीलिंग आ रहा है अपने बच्चों को जो खुद से जाकर जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक में उनका बच्चा ने यहाँ पर रिजल्ट लाया और सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया। साथ में सामान आ गया ये इनका ताकि लोगों पेरेंट्स जो हमारे बैठे हुए उनको आप इन्होंने इसी साल यानी कि 10 तारीख को इनका एडमिशन हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने घर के सबसे बड़े भाई हैं और भाई में बड़े हैं एक सिंगल है ब्रदर है और इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिला लिया अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से लगन से इन्होंने टॉप रैंक यहाँ लाया है आगे भी इंशाल्लाह इस तरह से लाते रहेंगे और मैं इनके मम्मी से और सारे पेरेंट्स जो बैठे हुए इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ आपका मैं बेटा ही हूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ मैं कभी भी अपने आप को कभी टीचर नहीं समझा आपका छोटा भाई हूँ या आपका बेटा हूँ मैं इंशाल्लाह ताला एक एक बच्चे को जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुँचा के रहूँगा ये मेरा वादा है चाहे वो जितना मतलब जल्द से जल्द हो सके और जिस लेवल पर भी हो सके जिस क्लास में भी हो सके मैं हर एक बच्चों का मेरा सपना है मैं उन बच्चों का दाखिला जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अपने साथ में रख के उन बच्चों को आगे कैरियर में कामयाब करें। बच्चा जब अपने घर से और आइडियल कॉम्पिटेटिव स्कूल के हॉस्टल में जब आता है तो एक नया घर मिलता है और उसके बड़े भाई के रूप में मिस्टर अली हैदर साहब मिलते हैं उनको इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल टीचर के रूप में नहीं रहता हूँ कभी भी और मैं हमेशा मैं आप सभी पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट्स से वादा करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से हमारे लिए बस दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और साथ दिया और उनकी दुआ रही आप लोगों की दुआ रही और सेहत के साथ रहा तो मैं यहाँ जितने बच्चे खड़े हुए हैं सारे बच्चों को इंशाल्लाह ताला कामयाब करके रहूँगा और जिस लेवल पर भी हो सके डॉक्टर इंजीनियर हमारा मिशन है कि 1000+ बच्चे को डॉक्टर बनाना 1000+ बच्चे को इंजीनियर बनाना। आज लगभग मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कम से कम 150 स्टूडेंट हमारे जामिया इंजीनियरिंग से जामिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं मैं 2 मिनट सलमान से लेना चाहूँगा उसके बाद से मैं अपने स्टेज पे सारे स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी फिलहाल यहाँ पे एडमिशन लेकर घर गए हुए हैं और कई बच्चे अभी आए नहीं है प्रोग्राम में कहीं तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन और रात हमारे साथ में रहते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आप सभी लोगों को वादा करता हूँ कि इन सभी बच्चों को जिस तरीके से मैं रखा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रखूँगा और इन सभी बच्चों को कामयाब करके यहाँ से रहूँगा और जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे मेहनत करते हैं लगन के साथ रहते हैं एक भाई से हाथ मिलाकर कदम से कदम आगे बढ़ाकर ये मेहनत करते कई ऐसे बच्चे और भी हैं जो इस लेवल पे पहुँच चुके हैं और कई ऐसे आज जामिया मिल्लिया मुझे बहुत खुशी होती है कि जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ तो जितने भी स्टाफ हैं HOD है प्रिंसिपल हैं सब एक अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि बहुत ही कम उम्र में हमने इतने सारे स्टूडेंट को दिया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और ऐसे ऐसे ब्रांच में हमने टॉप रैंक से हमने दिया है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स की बदौलत हुआ है क्योंकि ये हमारा कोई भी इसमें सिर्फ हमारी मेहनत होती है लेकिन सबसे बड़ी मेहनत जो होती है वो पेरेंट्स का होता है जिन्होंने हमारे ऊपर में ट्रस्ट किया है और ख़ास तौर से लड़कियाँ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लड़कियाँ को पेरेंट्स ने बिहार से गया से हैं ये और भी बहुत सारे जगह से गया से सिवान से हाजीपुर से उत्तराखंड से बंगाल से 7 स्टेट से सारे बच्चे हमारे पास थे और अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों को हमने कामयाब किया बहुत जल्द हम उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऑडिटोरियम में। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं सारे हमारे जितने भी दोस्त हैं जितने भी लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उनसे सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ अच्छे से अपने फ्यूचर के बारे में सोचें यहाँ अच्छे से पढ़ें और एक बात हमेशा याद रखें कि आपने जो सपना देखा है उसे वो सिर्फ आप ही है जो उसे कामयाब कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें उन्हें
आप ही हैं जो इतनी खुशी दे सकते हैं जो कि कोई नहीं दे सकता। भले ही आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो, चाहे कुछ भी आपने किया हो, लेकिन जब आप खुद अपनी मेहनत से किसी जेई कॉलेज में जाते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसकी खुशी जो आप अपने पेरेंट्स या आप खुद महसूस करते हैं, वो अगर चाहे आपको पूरे जहाँ की भी खुशी ऐसी दे दी जाए तो उसके लिए वो कम है। इसीलिए मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अपने सर को कि इनके वजह से मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जा सका। थैंक यू सो मच। दो स्टूडेंट और अभी मुझे नाम हो गया था, जैनब खातून और अक्षा सिद्दीकी, इन्होंने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अपना रिजल्ट क्वालिफाइड किया है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लड़कियां को पढ़ाना नहीं चाहते थे, मतलब कि इंजीनियरिंग नहीं करो, बस जस्ट लाइक अ बीए आर्ट्स लेकर अपने बच्ची को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब से हमने ये सोचा कि लड़कियां कब तक बीए करके और आर्ट्स लेके अपने ड्रीम या सपने को पूरा नहीं कर सकती, तो क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बीए के आपके डिग्री पे आपको नौकरी दे रही है या बोर्ड लगा रखा है कि बीए वाले बच्चे यहाँ पर आइए, एक कॉल सेंटर के अलावा। तो कॉल सेंटर जो है हमारे मुस्लिम खातिन के लिए यानी बच्चिया के लिए, बहन के लिए, वो सही नहीं लगता मुझे। इसलिए मैंने एक टेक्निकल, आज के ज़माना के हिसाब से टेक्निकल कोर्स कराने के लिए उनके लिए सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह ना जाने कितनी स्टूडेंट को, कितनी बच्चिया को हमने टेक्निकल कोर्स के माध्यम से जॉब भी लगवाई है। मैं बुखारी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी कम अल्फाज में अच्छे से बच्चे को, अपने जो जूनियर बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनका अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्जद रजा बुखारी है, मैं बिहार से हूँ। अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है मेरा। आज मैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ वो सर की देन है। मैंने सर से गाइड सीखा है और सर ने ही मुझे पढ़ाया है, जो आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये सारी सर की देन है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब मैं सर के कोचिंग में आया तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ। आज सर की देन है, मैं सर का कैसे तारीफ करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सर के साथ बहुत दिन रहे हैं, मैं एडमिशन के टाइम सर के साथ 2.5 महीना रहा, कभी मुझे ऐसा घर का याद नहीं आया कि मैं घर से बाहर रह रहा हूं। ऐसे लगते थे कि एक बड़े भाई हैं, भाई के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या मतलब हमारी जो दिन बीत रहे हैं वो हमारे भाई के साथ बीत रहा है। सर बहुत काबिले तारीफ है, आज सर की बदौलत ही है जो इतने बच्चे जो दिख रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। और अब मैं कहूँ कि अगर सर जामिया मिल्लिया इस्लामिया चले जाएं तो जो सर का हुजूम रहेगा पीछे, वो वहाँ के टीचर भी देखने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने बच्चे हैं जो इनके स्टूडेंट हैं जो आज पढ़ रहे हैं। सर के लिए एक शेर कहा, सर ने ही मुझे बताया था, आज मैं उन पर ये दोहराना चाहूँगा कि यूं ही लोग तुझे होठों पर सजाए फिरते हैं अली हैदर, यूं ही लोग तुझे होठों पर सजाए फिरते हैं अली हैदर, तेरा नाम किसी अखबार की मोहताज नहीं, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। सर के लिए, और आज जो हम जिस पर्पस से बैठे हुए यहाँ, उन पर भी मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं उनका मेन पर्पस था हमारा कि आज 15 अगस्त है, जिसकी आज़ादी, जिसका जश्न हम सारे लोग मना रहे हैं, जिसके लिए हमारे वतन परस्तों ने अनगिनत मुसीबतें और अजियतें झेली थी, पे जख्मों को बर्दाश्त किया था, मौत की आतियों से टकराते हुए हंसते हंसते शहीद हो गए थे, कितनी माओं की गोदें सुनी हुई, कितनी बहनों के दिल जख्मों से चूर हो गए, कितने भाइयों के सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए, कितनी मासूमों के सरों से साया आफत उड़ गया, लेकिन जद्दोजहद आजादी की तहरीक मुतासिर न हो सकी, अंजाम कार शहीदों का खून रंग लाया, सरफरोशी की तमन्ना के आगे बाजुए कातिल का जोर ठहर न सका, और बेलौज कुर्बानियों के तवील सफर का नतीजा आज 15 अगस्त 1947 ईस्वी को वतन आजाद की शक्ल में जाहिर हो। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनतें मशक्कतें की है, जिसके बाद आज हम ये जश्न मना रहे हैं। आज हम ये जश्न नहीं मना रहे होते, आज अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी शहीद ना होते तो आज हम यहाँ पर जश्न नहीं मना रहे होते, तो इसलिए आज हम जश्न मना रहे हैं। मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि मेरी मिट्टी के वतन मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, कि मजहब के नाम पर जुल्मो सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्मो सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में बेवफाई हम नहीं करते, और कब्र के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। और एक
शेर कहना चाहूंगा कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। ऐ आप रूए गंगा, ऐ आप रूए गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आप रूए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। इंतखाब अहमद जो सिविल इंजीनियरिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सेकंड ईयर में, उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम इंतखाब अहमद है, मैं बिहार से हूँ और मैं जामिया में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डिप्लोमा से और सेकंड ईयर में। मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, सर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और मेरी सोच यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी जहाँ हम अभी पढ़ रहे हैं। हम अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ तक हमारी सोच ही नहीं जाती है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। सर ने मुझे गाइड किया और मैं आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सर का कैसे धन्यवाद करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, जितनी भी धन्यवाद करूँ थैंकफुल करूँ कम है। तो सर का तो सबसे पहले शुक्रिया अदा कराऊंगा और यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो दिल लगा के पढ़ाई करें और इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन होगा और यहीं से सिलेक्शन होगा और यहाँ जो सब पढ़ाते हैं गाइडलाइंस करते हैं गाइडेंस देते हैं तो वो गाइडेंस बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिव करते हैं सर बच्चों को और वो इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन जामिया में अलीगढ़ में हर बड़ी यूनिवर्सिटी में सर का स्टूडेंट पढ़ते भी है और भी सिलेक्शन होता रहेगा हर साल इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद तलाब हुआ, मैं बिहार के सुपौल जिले से हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था मैं दिल्ली के यूनिवर्सिटी में आऊँगा, यहाँ तक कि मुझे दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम भी नहीं पता था। मेरे गांव के ही सर थे जो मुझे यहाँ के बारे में बताएं और यहाँ पे सर के पास ले आए। जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत वीक था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और यहाँ की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती थी और मैंने 1 से 10 तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की थी। इसलिए सर हमें बहुत मोटिवेट किए, हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी सर, हमें बहुत मोटिवेट किए और इंग्लिश सिखाई। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जामिया में सिलेक्शन हो पाएगा और इतने अच्छे रैंक से। तो सर का जितना शुक्रिया दे किया जाए बहुत कम है क्योंकि लड़की को बाहर निकलने का मौका दिया ही नहीं जाता है घर से बाहर कि वो कैसे रहेंगी, पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ पे, कैसे लोग होंगे। तो यहाँ के लोग और सर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है कि कोई प्रॉब्लम किसी तरह का भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा सर की अच्छी ये चीज है कि सबसे ज्यादा सर गाइडलाइन बहुत करते हैं और दूसरी चीज ये है कि मोटिवेट करते हैं, जो सबसे ज्यादा काम हम लोग को जो मतलब करता है हम लोग उससे ज्यादा पढ़ाते नहीं, लेकिन ये है कि सर मोटिवेट इतना कर देते हैं कि स्टूडेंट लोग खुद उस लेवल पे मेहनत करने लग जाते हैं। तो सर का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। जिन्होंने जाने के लिए इस्लामिया में ये सारी बच्चियाँ हैं जो अभी एडमिशन ले रही हैं और पढ़ रही हैं इसी साल, और ये सब इस साल के स्टूडेंट हैं। इस साल मैंने आपको बताया कि पूरे 40 बच्चों को मैंने तैयारी कराया जामिया में के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से और अल्लाह ताला ने मेहनत से रंग लाई है, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल किया और मैं नफिल नमाज पढ़ पढ़ के इनके लिए दुआ किया करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही दुआ मेरे लिए काम किया, पूरे 40 के 40 बच्चे मेरे सामने कामयाब आए और सारे बच्चे एक भी बच्चे ऐसे नहीं रहे जिनका रिजल्ट नहीं रहा। मैंने यकीन दिलाया था कि इतना बड़ा बड़ा चैलेंज हमने लिया है गार्जियन से, अगर गार्जियन ये चाह रहे हमें गार्जियन से हर तरह के बच्चे का एडमिशन स्कूल में, ये ऑलरेडी किसी न किसी स्कूल में पढ़ते थे, मैंने उस स्कूल से नाम कटवा के मैंने कहा कि आप यहाँ नाम एडमिशन कराइए और मैंने वहाँ से नाम कटवा के और आज जाने मिले इस्लामिया में इनको पहुँचाने का काम किया है। खातून जो भी मैं हूँ सिर्फ सर की वजह से, मुझे पढ़ने का पहले बिल्कुल ही शौक नहीं था लेकिन बाद में जब सर आया और मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी लेकिन फिर बाद में सर आकर मुझे समझाया कि आर्ट सही नहीं होता है गर्ल्स के लिए, फिर इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, हर चीज में सपोर्ट सर किए और जो भी हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिलेक्शन हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी में कभी सिलेक्शन
टीचर मुझे पढ़ाते थे, कहते थे कि तुम पढ़ने में ऐसी हो वैसी हो, लेकिन सर हमेशा सपोर्ट करते रहे कि नहीं पढ़ो, जैसे भी हो पढ़ो। आज मेरा सिलेक्शन हुआ है सिर्फ सर की वजह से, मैं सर का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इनकी अम्मी भी यहाँ पे हाजिर है और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हाजिर, लेकिन इसके बाद मैं इनकी बात खत्म करने के बाद ये प्रोग्राम को खत्म करूँगा। और बच्चे जो पार्टिसिपेटेड हुए हैं वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और वो अपना पार्टिसिपेटेड को, जो पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट है वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्षत सिद्दीकी है। आज मैं जो भी हूँ जामिया में मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ है सिर्फ सर की वजह से हुआ है। उम्मीद भी नहीं था कि हम मतलब कितना आगे तक पहुंच जाएंगे। हम डेढ़ साल से मेहनत कर रहे हैं, आज अभी तक कितना आगे पहुंच गए। 10th क्लास में भी सर ने सपोर्ट किया है, हम वो भी पास कर गए सेकेंड डिवीजन से और डिप्लोमा में भी हम लोग का सिलेक्शन हो गया है। एंकर को बुलाना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और रिक्वेस्टिंग। सो वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम व्हिच इज डांस ऑन सॉन्ग बावन जत्ता बाय साइमा। पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पे छिड़ेगी बहुआ मैं तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुठ गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने मोटा टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका, मेरी छोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मुकेश जाजी तेरी कलमिया लिखे गीत प्यारे, होठा पे लाली अखियां काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। किसका गुजारा है।
This is the tribute to Talaiwa Nauli. Yo yo, honey singer. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं सभा में उपस्थित सभी गैर सभी गणमान्य व्यक्ति आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय शिक्षकगण मेरे प्रिय मित्र सभी को मेरा विनम्र सुप्रभात और स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी के सामने शिक्षा के महत्व के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं शिक्षा हमारे भविष्य के निर्माण प्रवेश करियर में आकार देने में अच्छी और उचित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह हमारे व्यक्तित्व के विकास करके परिवार और समाज में पहचान और सम्मान प्राप्त करने में मदद करती है हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक और व्यक्तित्व मानव जीवन का एक आवश्यक भाग है हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते यह शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने के साथ ही बेहतर जीवन जीने के एहसास को बढ़ावा देती है धन्यवाद थैंक यू सो मच इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के महत्व पे इन्होंने अपने विचार को रखा क्योंकि बिना एजुकेशन के हम लोग आज कुछ भी नहीं है और इसी बात पे हमेशा ये चीज़ को हम सभी मुस्लिम बच्चों को ये हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर हमारे अंदर कोई शिक्षा नहीं है तो समझिए हम किसी लायक नहीं है बिना टाइम को खराब किए हुए उनको दावत देना चाहता हूँ कि आप आएँ और अपनी कुछ बातें यहाँ पे हम उन सभी बच्चों के सामने में रखें
मैं सबके लिए ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन एक्चुअली हमारे लिए हमारी कौम के लिए है। कुरान में सबसे पहला वर्ड जो आया था वो इकरा ही आया था, जो हमारे अब्दुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो फरिश्ते आए थे जिब्रील अलैहि सलाम, वो यही वर्ड लेकर आए थे क्योंकि उनको पढ़ने नहीं आता था। जब उन्होंने कहा कि इकरा, तो उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ने नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ूँ, तो उन्होंने कहा कि इकरा बिस्मे रब्बिका, तुम अपने रब का नाम लो और पढ़ो। फिर जो उन्होंने तीन बार उन्होंने कहा और फिर उसके बाद जो है उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक्चुअली मैं हमारी कौम के लिए ही आया है और हम जो है एजुकेशन को पीछे छोड़ दिए हैं। हमें ये लगता है कि मुस्लिम कौम जो है वो एजुकेशन इनके लिए नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी मॉडर्न एजुकेशन है या फिर आप ये दीनी आप जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं और दीनी एजुकेशन नहीं है आपको, तो आप अधूरा एजुकेशन ले रहे हैं। आपको वो भी पता होना चाहिए कि हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ, हमारे हमारे ज़िंदगी में एजुकेशन कैसे आया है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो सर ने कहा कि लड़कियों को जो है थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक्चुअली पेरेंट्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स लड़कियों को जैसे नहीं आने देते, ट्रस्ट नहीं करते कि ज़माना ख़राब है या क्योंकि आप खुद आए यहाँ पर और आकर आप देखिए कि यहाँ की क्या फैसिलिटी है, सेफ्टी क्या है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों को एजुकेशन की जगह रोके नहीं, मैं बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं रोका एजुकेशन के लिए। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ और मास्टर्स किया मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मास्टर अभी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ और मैंने एग्जीबिशन पेंटिंग वगैरह का जगह जगह पर होता रहता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने काम किया है और सर ने जब मुझे बताया कि वो एक आइडियल पब्लिक स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें इस्लामिक एजुकेशन भी रखेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मेरा बच्चा जो है सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं ले रहा, वो दीनी एजुकेशन भी उसको मिलेगा, तो उससे जो है बच्चों के अंदर माँ बाप का जो रिस्पेक्ट है वो आता है। आप सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन देंगे तो वो सिर्फ दुनिया के लिए कमाएगा, वो आखिरत के लिए फिर कुछ नहीं कमाएगा। तो भी सबसे अच्छा मुझे सर का ये चीज़ लगा कि उन्होंने बात को रखी और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि ये सर सैयद अहमद खान से बहुत इंस्पायर है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उनका भी सपना यही था कि जो मुस्लिम कौम जो है हमारे वो भी आगे बढ़े। और साथ में सिर्फ अलीगढ़ में मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे और भी कौमों के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं और वो भी इंशाल्लाह सब कामयाबी हासिल करते हैं और जगह कोई आई एस ऑफिसर है, कोई बाहर और अदर कंट्री में जॉब कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा होता है एजुकेशन। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो एजुकेशन दे रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत मैंने अपने बच्चे में जो है फ़र्क महसूस किया है कि जो पहले जो चीज़ें सीखता था जो अब सीख रहा है वो बहुत अच्छा है। तो सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी आगे के लिए और बच्चे भी और सर भी सब मेहनत करते रहें और माँ बाप भी थोड़ा सपोर्ट करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें पढ़ने के लिए, तो और भी बेहतर हो जाए। थैंक यू। हेलो, एक शायरी इसी पे पेरेंट्स के द्वारा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का मिजाज, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का मिजाज, हम मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों। अगर आप सभी लोग, हम सभी लोग अगर एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल नहीं होकर आने वाले चंद सालों में आइडियल कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों को एक और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से सारे पेरेंट्स साथ देते हैं उसी तरीके से हम सभी शिक्षक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी टीचर्स अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह के इनको पढ़ाएं और मैं थोड़ा सा आपको इनके नीचे छोड़ के प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। We will proceed our next perform, means our next program, which is dance on song Desh Rangila by Hiba, Saima and Arina. So welcome to the band.
is a matter on importance of education. बेटा तुम स्कूल जाते हो? नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? रामू। अच्छा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो पिताजी के काम में हाथ कौन बटाएगा? अच्छा तुम स्कूल जाना चाहते हो? मैं आपकी चाय एक ही शर्त पे पीऊंगा कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना। अगर मैं इसे स्कूल चलता है। आप जो ये 2 रुपए की चाय बेचकर एक मामूली सी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपका बेटा पढ़ लिख कर एक कामयाब आदमी बन गया तो आप इससे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जैसे इस देश जैसे हम स्वच्छ एक स्वच्छ शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही एक अच्छी जिंदगी को एक शिक्षा की जरूरत होती है। मैं आपके सामने हाफिज वकारी अपने स्टूडेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, वो साथ साथ हाफिज वकारी हैं। और हिफ्ज वकारी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक नई दुनिया की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हमारे पास, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जाने मिले इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं इस साल, क्योंकि इसी साल आए हैं। उन्होंने देखा जब इस तरीके का रिजल्ट है और इस तरीके के जो उनके जब एक आर्ट्स का स्टूडेंट कर सकता था, उन्होंने मुझसे बात किया कि सर मैं हाफिज़ हूँ, क्या मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان वो जो बड़ा मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई और उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने उसको बोलना सिखाया। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء चांद अपने हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और ये बूटियाँ जब सजदे कर रहे हैं और आसमानों और इसी ने आसमानों को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दिए और इस मीज़ान अदल से कोई तजावज़ ना करे। वाक़िमु लिल्वज़्न बिल्क़िस्त वला तुख़सिरु लिल्मीज़ान वल्गर्दु तवज़ुअहा लिल्अनाम फ़ीहा والحبت العصف والطيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان और ये गलत जिसमें रब ये कौन कौन सी यहाँ पे जुटला हो गए सल्लल्लाहु अलैहि बहुत ही उम्दा आवाज में इन्होंने खराब में सुरे रहमान की तिलावत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और खासकर हमारे सर जो अली हैदर सर हैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ हमें जगह दी पढ़ने की और बच्चों को पढ़ाने की। तो आइए इसी जश्न आज़ादी के मौके पर हम आप लोगों को तराना है हिंदी सुनाने जा रहा हूँ। तिरंगा मेरे भारत का है कैसा है समाप्त कर आप लोग
कि शहीदों की अमानत है तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की भारत का, शहीदों की अमानत।
Yeah.
Oh,
इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आगे भी प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। आप सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह ताला आगे भी हम जब प्रोग्राम करेंगे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारा कदम से कदम मिला के साथ देंगे। आप सभी बच्चे जहाँ पर भी बैठे हुए हैं आप उसी जगह पर बैठिएगा, और जो भी वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी पेरेंट्स आए हैं उनसे नीचे तक ड्रॉप करके आ जाइए।